बचपन से सुपर हीरोज की फिल्में देखकर आपके जहन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश मेरे पास भी उड़ने या फिर गायब होने की शक्ति होती। Look up. Hello boys. What? भाई मैंने तो स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में एक दफा मकड़ी से भी कटवा लिया था, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं और सुपर हीरोज असल जिंदगी में नहीं होते। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर कुछ ऐसे इंसान जरूर हैं जिनकी शक्तियां किसी सुपर पावर से कम नहीं है, और आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं। जो टिंग जुए, जहां एक तरफ आज के इस दौर में हम सभी बीमारियों का इलाज अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से करने की सोचते हैं, वहीं चीन के एक फू ग्रैंड मास्टर बिना किसी दवा के बीमारी ठीक करते हुए देखे जा सकते हैं। जी हाँ, इनका नाम जो टिंग जुए है। इनसे मिलने वाले सभी लोग इनकी करामात देखकर दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर है जिससे वो लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि कई मशहूर एथलीट, सेलिब्रिटीज और दलाई लामा भी इनसे अपना इलाज करवा चुके हैं। साथ ही ये जनाब अपने हाथ से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं कि पानी तक उबलने लगे। इनके हाथ ईंटों को भी चकनाचूर कर देते हैं और इनकी चमड़ी भी सभी अन्य इंसानों से ज्यादा सॉलिड है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई कैमरा ट्रिक या स्पेशल इफेक्ट का कमाल है, तो जान लीजिए जो टिंग अपना जलवा कई टीवी शोज में भी दिखा चुके हैं और कई वैज्ञानिक भी इनकी अद्भुत शक्तियों का निरीक्षण कर चुके हैं। शकुंतला देवी। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमेशा से स्कूल में बच्चों की हालत खराब करके रखी हुई है। गणित के छोटे छोटे सवालों को भी सॉल्व करने में हमें बहुत सारा समय लग जाता है और फिर अक्सर हम थक हार कर फोन, कंप्यूटर या कैलकुलेटर काम में ले ही लेते हैं। पर जब हम बात करते हैं सन 1970-80 की, तो आपको उस समय कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब कैलकुलेटर की जगह ले ली थी ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी ने। जब वो लगभग 3 साल की थी, तो उनके पिता ने अपनी बेटी की संख्या याद करने की क्षमता का पता लगाया। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल पढ़ाई की स्किल सीखी थी। सन 1977 में शकुंतला देवी को 201 अंक की संख्या का 23वां रूट कैलकुलेट करने को दिया गया। कहा जाता है कि जब उन्हें इक्वेशन दिया गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया, और महज 50 सेकंड बाद सबको हैरान करते हुए शकुंतला देवी ने डिजिट बाय डिजिट इसका जवाब देना शुरू कर दिया। That's my answer. What does the five set have to say? It's the same. It's correct. Yes. Thank you very much. यहाँ हैरानी की बात यह है कि इसी संख्या को काउंट करने में उस समय के यूनिवेक कंप्यूटर को 62 सेकंड लगे। इसके बाद इन्होंने बिना किसी कंप्यूटर की मदद लिए 28 सेकंड में 213 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिखाया, जिसको चलते शकुंतला देवी की प्रतिभा को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली और उन्हें जीता जागता ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। लियो थोलीन। मलेशिया के लियो थोलीन जहां भी जाते हैं सबकी नजरें अपनी ओर आकर्षित जरूर करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि इनके दो सिर या कोई सींग या पूंछ है, दरअसल इन्हें मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है। और इन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि अपने शरीर पर मैग्नेट की तरह धातु से बनी चीजों को चिपका लेते हैं। है ना अचंभित करने वाली बात। मतलब कि इनकी धर्म पत्नी को अगर कभी लगे कि किचन में बर्तन की जगह थोड़ी कम है, तो वो इन बर्तनों को पतिदेव के शरीर से चिपकाकर छोड़ सकती है। बता दें कि ये महोदय अपने पूरे शरीर पर 36 किलो तक का मेटल चिपकाकर दिखा चुके हैं। साथ ही धातु को अपने शरीर से चिपकाने वाली इस शक्ति से उन्होंने एक कार को भी खींच के दिखाया। इनकी बॉडी पर कई तरह के शोध करने के बाद एक्सपर्ट्स बता नहीं पाए कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये अद्भुत शक्ति उनके 3 पोतों के शरीर में भी है। वेरोनिका सीडर। वेरोनिका की पावर सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इनकी आंखों में एक ऐसी अनोखी खासियत है जो किसी भी इंसानी आंखों के देखने की क्षमता पर सवाल या निशान खड़ा करती है। जहां एक तरफ हम अमूमन 20 फुट की दूरी तक ही चीजें डिटेल में देख सकते हैं, वहीं वेरोनिका 1 माइल तक चीजों की डिटेल्स अच्छी तरह से बता सकती है।
मतलब कि वेरोनिका के पास इंसानी प्रजाति की सबसे तेज तरार आंखें हैं। वेरोनिका को इन तेज नजरों के बारे में सबसे पहले वेस्ट जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने बताया, जहां वे स्टूडेंट थी। वेरोनिका ने यहां 20 पन्नों की कविता को नाखून से भी छोटे कागज के टुकड़े पर लिखा और बिना मैग्नीफाई ग्लास के इसको पढ़कर प्रोफेसर को सुना दिया। इनकी आंखों की पावर यही खत्म नहीं होती। ज्यादातर इंसान रेड, ब्लू और ग्रीन के मिश्रण वाले रंगों को ही देख पाते हैं, लेकिन वेरोनिका उनके हर एक कंपोनेंट को देख सकती है। अपनी अद्भुत काबिलियत के बावजूद ये एक साधारण जीवन जीती है और वेस्ट जर्मनी में एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करती है। डेनियल केश। एक आंकड़े के मुताबिक इस पूरी दुनिया में तकरीबन 39 मिलियन लोग अंधे हैं, यानी कि वे देख नहीं सकते। कैलिफोर्निया के रहने वाले डेनियल किश भी उन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन इन्हें उन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता जिनसे अन्य अंधे इंसान हर दिन गुजरते हैं। दरअसल डेनियल ने एको लोकेशन नामक तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस तकनीक में हाथ, मुंह या छड़ी से आवाज पैदा करके आसपास मौजूद वस्तुओं की बनावट और उनकी दूरी को समझा जा सकता है। डेनियल अपने मुंह से टिकटॉक की आवाजें पैदा करते हैं। उनकी ये आवाज सामने मौजूद चीजों से टकराकर उनके कानों में पड़ती है और उसी आवाज के पैटर्न को सुनकर वो आंखें ना होकर भी आसपास के वातावरण को समझ लेते हैं। इस तकनीक से वे अपने सामने वाली चीजों का साइज व डेंसिटी तक पता लगा सकते हैं। बता दें कि इसी तकनीक का इस्तेमाल बैट्स यानी चमगादड़ भी करते हैं। शायद इसी वजह से लोग डेनियल को बैटमैन भी कहते हैं। माइकल लोतीतो। अगर आपको कोई कहे कि वो अपने नाश्ते में हवाई जहाज खाकर आया है, तो आप निश्चित तौर पर उसे किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से मिलने की सलाह देंगे। पर अगर मैं कहूं कि ये पॉसिबल है तो जी हाँ, यहाँ एक ऐसे शख्स को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे। इनका नाम है माइकल लोतीतो, जो कि फ्रेंच एंटरटेनर हुआ करता था। इनको कुछ ऐसी चीजें खाने की आदत थी जिसे कोई भी साधारण इंसान सपने में भी खाने की नहीं सोचेगा। माइकल लोतीतो कई तरह की धातुओं के साथ साथ रबर व कांच को भी चबा चबा कर बड़े चाव से खाते थे और उसे अच्छी तरह से पचा भी लेते थे। तकरीबन 16 साल की उम्र से वे लोहे, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के साथ धारदार कांच को खाने लगे थे। डॉक्टर्स के अनुसार लोतीतो को पिका नाम की एक मानसिक बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें अजीबोगरीब चीजों को खाने का मन करता था। साथ ही जन्म के समय से उनके शरीर में एक्स्ट्रा थिक स्टमक लाइनिंग थी और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी शानदार था, जिसके चलते उन्हें धातु और कांच जैसी चीजें पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। यही वजह रही कि ये इंसान जीते जी टीवी, साइकिल और यहां तक कि एक पूरे के पूरे विमान को निगल गया और डकार तक नहीं ली। बता दें, इस विमान को पूरा खाने में लोतीतो को 2 साल का समय लगा और साल 2007 के दौरान 57 साल की उम्र में इनकी नेचुरल डेथ हुई। डीन कार्नेजी। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें तो कितना लंबा दौड़ सकते हैं? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर? डीन कार्नेजी नामक इस शख्स के लिए ये दूरी महज वार्म अप के समान है। जी हाँ, डीन जब बच्चा था तो उसने बस शौकिया तौर पर भागना शुरू किया और उसके बाद वो आज तक नहीं रुके। 11 साल की उम्र में उन्होंने ग्रैंड कैनियन की चढ़ाई की। 12 साल की उम्र में वे अपने दादा दादी के घर साइकिल पर जाते थे, जो कि 65 किलोमीटर दूर था। वो धीरे धीरे बड़े होते गए और उनके पैरों की ताकत भी बढ़ती चली गई। आज वो डेली एक मैराथन जितनी दौड़ करते हैं और अपना पूरा दिन अपने पैरों पर ही व्यतीत करते हैं। रेगुलर मैराथन पर भी वो नहीं रुके। उन्होंने लगातार 50 मैराथन की, वो भी 50 दिनों में और 50 अलग अलग स्टेट्स में। ये -13 डिग्री के तापमान में साउथ पोल में एक मैराथन दौड़ चुके हैं, वो भी बिना किसी स्नो शूज के। यहाँ भी डीन संतुष्ट नहीं हुए। साल 2005 में बिना सोए डीन 563 किलोमीटर तक भागे, वो भी मात्र 80 घंटे और 44 मिनट में। यानी ये इंसान फ्लैश नामक सुपर हीरो से कम नहीं है, जो भागते हुए कभी नहीं थकता। स्टीफन विल्चर। स्टीफन विल्चर के पास एक ऐसी अद्भुत काबिलियत है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अक्सर हम आंखों से देखे रास्ते ही भूल जाते हैं, पर स्टीफन विल्चर एक बार किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को देख ले तो उसे हूबहू कागज पर उतार सकते हैं। लंदन में जन्मे स्टीफन बचपन में एक मूक बधिर बच्चे थे, जो कि किसी भी शब्द को बोल पाने में असक्षम थे।
तीन साल की उम्र में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ऑटिज्म नामक एक दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी दिलचस्पी चित्रकारी में जगी। 7 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने पूरे के पूरे शहरों के नक्शे बनाने शुरू कर दिए। ये महज एक बार किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को देखकर उसका स्केच बनाने लगे। इस उम्र तक भी वे बोल नहीं पाते थे। ऐसे में इनके इंस्ट्रक्टर ने पेंटिंग में काम आने वाले सामान उन्हें देने बंद कर दिए, जिसके बाद स्टीफन विल्चर ने अपने जीवन के पहले शब्द बोले और वे शब्द थे पेंसिल पेपर। 9 साल की उम्र तक ये पूरी तरह बोलने लगे और आज पूरी दुनिया में एक ऐसे अनोखे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं जो किसी भी शहर को सिर्फ एक बार ऊपर से देखने के बाद उसकी पूरी डिटेल्स कागज पर पेंट कर देते हैं, जिसे कर पाना किसी भी अन्य इंसान के लिए असंभव है। स्टिग सेवरिंसन। स्टिग सेवरिंसन को पानी के नीचे जाने के बाद अन्य इंसानों की तरह ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे काफी लंबे समय तक पानी में सांस रोक कर रख सकते हैं। स्टिग पानी में सांस रोकने की कला में कई रिकॉर्ड अपने नाम बना चुके हैं, जिनमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 4 फ्री डाइविंग AIDA वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। डॉल्फिन्स की तरह स्टिग अपने रेड ब्लड सेल्स को अपने स्प्लीन में यूज करते हैं, जिसके कारण वो काफी देर तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह पाते हैं। बता दें, साल 2012 में स्टिग ने अपनी सांस पानी में 22 मिनट तक रोकी थी, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। किम पीक। कैसा हो अगर आपको अपने जीवन में पढ़ी हुई हर एक किताब, हर एक कॉमिक और अखबार में लिखी चीजें हमेशा याद रहे? जी हाँ, वो हर एक शब्द जिसको आपने महज एक बार पढ़ा हो। कुछ ऐसी शक्ति के धनी है किम पीक। किसी रोबोट की तरह ही किम की याददाश्त शानदार थी। वो पूरी की पूरी किताब सिर्फ एक बार पढ़कर ही याद कर सकते थे। इनकी एक खासियत ये भी थी कि अपनी दाई आंख से किताब का एक पेज, बाई आंख से दूसरा पेज पढ़ने में सक्षम थे, और ऐसा करते हुए उन्हें 98% पढ़ा हुआ याद रहता था। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 12,000 किताबें पढ़कर याद कर ली थी। हालांकि उनका जीवन बीमारियों से ग्रसित भी रहा। उन्हें ऐसी मानसिक बीमारी थी कि वे अन्य लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे। साथ ही उन्हें अपने शर्ट के बटन तक बंद करने में हेल्प की जरूरत पड़ती थी। 2009 के दौरान 58 की उम्र में हार्ट अटैक से किम की मृत्यु हो गई। विम हॉफ। जब भी हम सर्दियों में बाहर निकलते हैं और ठंड महसूस करते हैं, तो जल्दी से अंदर जाकर जैकेट पहन लेते हैं कि कहीं ठंड ना लग जाए। पर विम हॉफ नामक इस शख्स की माने तो ठंड से बचने के लिए जैकेट की जरूरत ही नहीं है। वे बताते हैं, आप अपने दिमाग की सहायता से अपने शरीर का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा इन्होंने करके भी दिखाया। विम हॉफ को लोग आइसमैन के नाम से जानते हैं। ये खुद को इतनी खतरनाक ठंड वाली परिस्थितियों में डालकर दिखा चुके हैं जिनमें किसी भी आम इंसान का जिंदा निकल पाना नामुमकिन है। सन 1959 में जन्मे विम ने अपनी जवानी के दिनों में नंगे पैर बर्फ पर चलना शुरू किया था, और फिलहाल वे माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। साल 2007 में विम ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की, वो भी सिर्फ शॉर्ट्स और सैंडल में। यकीनन ये एक ऐसा कारनामा था जिसे कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।